एक भीषण अपघात हिमाचल प्रदेशमध्येही घडलाय. हिमाचल प्रदेशमध्ये एका शाळेची बस दरीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात 27 विद्यार्थ्यांसह 30 जणांचा मृत्यू झालाय. कांग्रा जिल्ह्यामध्ये नुपूर इथे ही दुर्घटना घडली. अपघातानंतर NDRFच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली, मात्र बसमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना वाचवण्यात अपयश आलं. या भीषण अपघातामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. रोड कंडिशन्स के कारण वहां पर शायद हुआ होगा, क्योंकि बस जो है वो नॉर्मल, उसमें जो है लोडिंग इत्यादि जो है वो प्रॉपर थी, क्योंकि उसमें ड्राइवर की भी डेथ हो गई है, ऐसा SP कांगड़ा द्वारा मुझे अपडेट दिया गया है. अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. जो अनुमान है डिप्टी कमिश्नर शिमला और डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा तथा डिप्टी कमिश्नर अपने SP कांगड़ा, उन दोनों के द्वारा जो है लगभग 20 बच्चों का अभी तक का एस्टिमेट में बताया कि लगभग 20 तो कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, इंजरीज हैं, कितनी डेथ्स हैं. तो अभी तक जो मेन जो अपडेट आया है वो डेथ्स का ज़्यादा है. बाकी जो इसकी मॉडलिटीज़ हैं उसके बाद जो है वो सारी देखेंगे. हमारे ऑनरेबल सप्लाईज मिनिस्टर श्री कृष्ण कपूर जी जो हैं वो मौके के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं. 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.